हेमंत बने सरकार के लिए मुसीबत। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में इन दिनों आरोपों की बाढ़ सी आ गई है। एक बार फिर बीजेपी ने सीएम सोरेन और उनके करीबियों पर आरोप लगाकर झारखंड की सियासत को गर्मा दिया है। इन आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने हैं। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसकी बात करेंगे इसी पर अगले आधे घंटे चर्चा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में इन दिनों सियासी तूफान सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। आपको याद हो, हेमंत सरकार पर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी समय समय पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, भाई बसंत सोरेन, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर लगे इन आरोपों के बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। इन आरोपों को लेकर बकायदा बीजेपी नेताओं ने राजभवन में शिकायत भी की। जरा आप खुद सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम सोरेन और उनके परिवार पर क्या गंभीर आरोप लगाए और क्या कहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, उन्हें तो स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए। जितने बड़े उनके ऊपर आरोप लगा, तो प्रमुख दिशा में भी सरकार को चाहिए आधिकारिक स्पष्टीकरण दे और उपयुक्त व्यक्ति श्री अभिषेक प्रसाद, जो प्रेस सलाहकार और जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पद से अविलंब हटाए। और मुझे जानकारी है, मिल रही है कि ये सरकार के द्वारा कागजातों में भी छेड़छाड़ कर ली। इधर बीजेपी ने आरोप लगाए तो सरकार चला रही पार्टी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का प्रतिनिधि मंडल भी राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सफाई देने की कोशिश करने लगा। राजभवन से बाहर निकलकर तीनों दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री और उनके करीबियों का बचाव किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। देखिए, जो राजनीतिक भ्रम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न की जा रही है, उसी से हम लोगों ने महामहिम को अवगत करवाया है कि जो संवैधानिक चीजें उन चीजों का पालन हो और जो भ्रम है उस भ्रम को आपके द्वारा भी जो छाटने की उन्होंने कहा है कि जो नियम संगत चीज़ें होंगी, जो संवैधानिक चीज़ें होंगी, उन्हीं का यहाँ पालन होगा, उसी मद्देनजर आज हम लोग यहाँ पर आए थे। देखिए, नैतिकता की जहाँ तक बात है तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी नैतिकता भी जरा देख लीजिए, उस पर भी एक बार थोड़ा गौर करना चाहिए कि उन पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। अपने बारे में अगर वो 5 लाइन बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। दूसरे के बारे में बताना बहुत आसान होता है और हम ये समझते हैं जहाँ भी उन्होंने इस बात को कहा है, सिर्फ मीडिया में तो नहीं कहा होगा, कहीं ना कहीं कंप्लेन भी किया है, तो जहां से कंप्लेन किया गया है तो जांच की कार्रवाई होगी ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बीजेपी के इन आरोपों के बाद झारखंड की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी अब नैतिकता के आधार पर सीएम का इस्तीफा मांग रही है। ऐसे में सवाल है, क्या झारखंड की सियासत में आने वाला है कोई बड़ा तूफान? और सवाल ये भी कि क्या सीएम खुद सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जो आरोप लगे हैं उससे झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी ने आरोप लगाए हैं और रघुवर दास ने बकायदा, इससे पहले भी आपको याद होगा किस तरह से तमाम ऐसे दस्तावेज दिए थे और भ्रष्टाचार से लेकर तमाम ऐसे आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री और उनके करीबी और खासतौर पर परिवार के लोगों पर ये आरोप सीधे पहुंच गए हैं। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी पत्नी, इसके अलावा उनके भाई और प्रेस सलाहकार, विधायक प्रतिनिधि, तमाम लोगों पर आरोप लगे हैं। अब पूरी तरह से सरकार को विपक्ष ने घेर लिया है और इन आरोपों पर जवाब मांगा जा रहा है। और साथ ही साथ
ये कहा जा रहा है कि ये बड़े आरोप है अपने आप में और इसीलिए अब नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सवाल दूसरी तरफ, आज हमने देखा जिस तरह से इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो दरअसल इस पूरे मामले को लेकर राजभवन भी भारतीय जनता पार्टी गई, उन्होंने मुलाकात की राज्यपाल से। और उसके बाद आपको बता दें कि दूसरा जो एक प्रतिनिधिमंडल दरअसल सत्ता पक्ष का भी गया, उसने भी मुलाकात की और साथ ही साथ फिर ये आरोप लगाए विपक्ष पर कि इस तरह के जो आरोप हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इन आरोपों ने झारखंड की सियासत को इन दिनों काफ़ी गर्म कर दिया है और आप ये लगाइए कि सीधे सीधे जो आरोप हैं वो दरअसल रघुवर दास ने लगाए हैं मुख्यमंत्री, उनके करीबी और ख़ास तौर पर परिवार के लोगों पर। तो ये आरोप जो लगे हैं उसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो तस्वीर सामने आएगी उसके बाद क्या सत्यता है इन आरोपों की उसका भी पता चलेगा। लेकिन किस तरह से ये आरोपों को सत्ता पक्ष और विपक्ष देख रहा है, इसी पर चर्चा करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। प्रतुल शाहदेव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है प्रतुल जी आपका। इसके अलावा ओमकार जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता जेएमएम के हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आनंद जी हमारे साथ, ईश्वर आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप तीनों मेहमानों का स्वागत। मैं सबसे पहले प्रतुल जी आप ही के पास आता हूं क्योंकि आप आरोप लगाते हैं हर बार, लेकिन इस बार के जो आरोप है वो बहुत गंभीर आप लोगों ने लगाए हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री के अलावा उनकी धर्मपत्नी और उनके भाई, प्रेस सलाहकार, बहुत से लोग जिनका नाम इसमें मेंशन किया गया है, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या ये आरोप हैं जो पहले आरोप लगे थे, क्या उनसे ये अलग आरोप हैं जो इस बार लगाए गए हैं? देखिए, ये सरकार से जब भी कहा जाता था कि आपने ढाई वर्षों में क्या कार्य किया, तो ये हमेशा जवाब देती थी कि कोरोना था पहले दो वर्ष, इसलिए हम कोई कार्य नहीं कर पाए। लेकिन देखिए, भीतर भीतर इन्होंने कितना कार्य कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग मिनिस्टर रहते हुए खुद के नाम माइनिंग पट्टा कर लिया और अपनी पत्नी के नाम वाली कंपनी के नाम पर 4 में 11 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती भी कर दी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए खुद को उपकृत करने का प्रयास किया। ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लिंक फेल हो गया, नहीं तो वो जो कोरोना प्रोत्साहन की राशि थी उसका एक बड़ा हिस्सा उनको भी मिलता। और उसके बाद देखिए, आलमगीर आलम साहब ठेका पट्टा के खेल को मैनेज करने के चक्कर में ईडी की इंक्वायरी पेश कर रहे हैं और मिथिलेश ठाकुर जी पर आरोप है कि वो ठेका पट्टा अभी भी कर रहे हैं जबकि वो मंत्री पद पर हैं और जो उन्होंने रिजाइन किया वो आपस का पार्टनर्स के बीच में रेजिग्नेशन है, किसी सरकारी एजेंसी के सामने या किसी एजेंसी के सामने जहां उनका फर्म निबंधित है वहां ऐसा कोई रेजिग्नेशन का दस्तावेज नहीं किया। तो देखिए, ये पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सरकार जो है ये स्वहित में लगी हुई है और इनका आरोप ऐसा है कि जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हम करते हैं। भाई, एजेंसी के दुरुपयोग की अगर बात होती है तो सीबीआई ने तो जिस समय बाबरी मस्जिद विध्वंस केस था उसमें हमारे तमाम बड़े नेताओं को उस इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा था। इसी तरीके से जैन हवाला केस में हमारे जितने तमाम बड़े नेता थे उस समय के, मदन लाल खुराना साहब हो, एल के आडवाणी हो, उन्होंने भी सीबीआई इंक्वायरी फेस किया था। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये कहते हैं कि ये बीजेपी नेताओं पर जांच नहीं करते, तो इन्हें पता होना चाहिए कि 4 दिन पूर्व ही गुजरात से बहुत सीनियर लीडर सूरत के शर्मा, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की। तो हमारी जांच एजेंसी निष्पक्ष जांच करती है। हाँ, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पाप का घड़ा बढ़ गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इनके माइनिंग लीज के बारे में सबसे रोचक घटना जो है वो 2008 से 18 के बीच में इनके नाम पट्टा था जो लैप्स कर गया, इन्होंने रिन्यूअल का जो दिया वो हमारी सरकार में इनको रिन्यू नहीं किया गया। 2012 का 14 का जो पहला कालखंड था उसमें भी इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए माइनिंग किया था जो गैर कानूनी है, उस समय ये बात सामने नहीं आई थी। और फाइनल पॉइंट कि जब ये खुद माइनिंग मंत्री बने तो इन्होंने लीज को रिन्यूअल कर दिया। जीएमएम के नेताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया, ये विभाग के अधिकारियों से भूल हो गई। तो मैंने पिछली बार भी आपके चैनल में वो चिट्ठी दिखाई थी सितंबर की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट एनवायरमेंटल असेसमेंट कमेटी को पत्र लिखकर 2021 के सितंबर में अनुमति मांगी थी
खदान के जो खनन करने की, ठीक, तो पूरे तरीके से सरकार में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ओमकार जी, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। ठीक है ओमकार जी, ये जो आरोप लगे हैं तो बहुत गंभीर है। बीजेपी बार बार ये आरोप आप लोगों पर लगा रही है और आप लोग आज राजभवन भी गए थे, राज्यपाल से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मतलब बीजेपी पहले गई शिकायत करने के लिए, फिर आप लोग वहां पर गए, किसी चीज का डर है क्या आप लोगों को? देखिए ये टॉफी खाने वाले लोग और हाथी उड़ाने वाले लोग क्या बोलेंगे, इनका तो सीधा है कि पेट में दर्द है। जहां जहां जिस स्टेट में इनका राज सरकार नहीं, उनके हिसाब से तो देखिए भ्रष्टाचार ही हो रहा है पिछले कई। मुझे कहने दीजिए और इनका पूरा है हालत, इनका पेट में दर्द है जिस स्टेट में इनका सरकार नहीं है। और इन लोग आनंद फानंद में ऐसे ऐसे काम करने, ऐसे ऐसे आरोप लगाना इन लोग का कि किसी तरह सरकार को घेरो, किसी तरह सरकार पर आरोप लगाओ। और ये उल्टे कहां चले गए थे? इनकी सरकार पिछली बार 5 साल थी ना, रघुवर जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, कहां चले गए? नहीं, वो अपने आरोपों पर बिल्कुल खड़े हैं ओमकार जी, वो भाग नहीं रहे अपने आरोपों से और बाकायदा वो तो पूरा दस्तावेज भी दिखा रहे हैं। आरोप मढ़ने का आदत है और इन लोग अपनी सफाई को पूरी देते हैं। अभी देखिए सब जगह के यही हाल है, महाराष्ट्र में देखिए इन लोगों ने कैसा खेल खेलवा रहा है, वहां की हालत देखिए, यहाँ देखिए यही हाल है। इन लोग का हालत यही है कि आरोप को किसी तरह लगाओ, पेट में दर्द है, सत्ता के बिना बेचैन रहने वाले लोग हैं। अब इन लोग झूठ के, तो आप इन आरोपों को झूठा साबित करिए ना, फिर ओमकार जी आपके पास तो मौका है, एक्सपोज करिए, आप बोलिए कि झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए ऐसा है ना, सब कुछ देखिए और जो चीज है सामने है, कोई छिपाया तो नहीं गया है, हम लोग ने सीधा बात है। और इन लोग के पास क्या है? इन लोग सर सामने ही तो है, वही तो बीजेपी बार बार कह रही है कि दस्तावेज सामने है, भ्रष्टाचार सामने है, देखिए कम से कम आप लोग। इसलिए इनके पास आरोपों की कमी नहीं है, जब से सरकार बनी है लगातार आरोप लगाते रहे हैं, आरोप की कमी नहीं है। नहीं वो तो ये भी कह रहे हैं, आरोप इतने हैं, हाँ, कि आप इनको, इनके आरोप को आप लगातार, चूंकि इनके पास यही है कि इनका पेट में दर्द है, इनके मन में और मस्तिष्क में सत्ता के बगैर बेचैन रहने वाले लोग हैं। ये लोग तो ऐसे लोग हैं ना कि देश में पूरा हवा फैला दिया, ये लोग गणेश जी के दूध पिला के कितना देश में दूध पी रहे गणेश जी, ये हवा फैलाने वाले लोग हैं। ये लोग पूरी तरह झूठा झूठा प्रचार करने वाले, साजिश करने वाले लोग और एजेंसी का गलत दुरुपयोग करके इन लोग पूरा के पूरा दबाव बनाते हैं सारे लोगों पर। ये इन लोग का पुराना आदत है और ये इससे कुछ सरकार को कोई असर पड़ने वाला लोग नहीं है। सच सच है, झूठ झूठ है। पिछली बार डबल इंजन की इनकी सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, सारा कुछ था, विकास हुए हुए थे, सब उन लोगों ने ही किया। अब सब हाथी उड़ाए, तब क्या किया कि टॉफी घोटाला इन लोगों ने किया। तो इन लोग का काम है कि सरकार को किसी तरह परेशान करो, सरकार को किसी तरह अचेत करो, सरकार को किसी तरह दुविधा में डालो और उस और क्या करना है, इनको परेशान करने की जरूरी है। यही इनका मूल रूप से काम है, लोगों को परेशान करना, सरकार के लोगों को। ठीक है प्रतुल जी, आ रहा हूँ, जवाब लूंगा मैं। ईश्वर जी से पहले एक सवाल ले लूं। ईश्वर जी, ये जब पूरा मामला हुआ, जब बीजेपी का जो एक डेलीगेशन, कुछ लोग गए राज्यपाल से शिकायत करने के लिए उस पूरे मामले पर, तो आपका भी एक डेलीगेशन गया था राज्यपाल के पास? जी ईश्वर जी, हाँ जी ईश्वर जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, तो बीजेपी शिकायत करने के लिए गई थी राजभवन इस पूरे मामले की, जो जो सबूत उनके पास हैं, जो जो भ्रष्टाचार की वो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करने गए थे राजभवन में? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। गए थे नहीं गए थे, मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी। हाँ, मैं राज्यपाल से मिले थे आप लोग? मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहा हूँ, हम लोग भी राजभवन गए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया था, इसी मसले पर गया था ईश्वर जी, जो शिकायत बीजेपी ने की, जो आरोप लगाए। नहीं, देखिए जब से सरकार बनी है, अभी अवधेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि जब से सरकार बनी है, येन केन पराकरण सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही है, नंबर वन। नंबर टू की मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप आरोप तो 1000 लगाइए, कोई दिक्कत है विपक्ष में है। नहीं, राजभवन आप क्यों गए थे, मेरा सवाल ये था सर। एक मिनट, उन आरोपों में कितनी सत्यता, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, राज्य के मामले में राज्य को आप जांच नहीं करने दे रहे, सीधा आप ईडी का नोटिस भेज दे रहे। अभी जैसा प्रतुल जी ने कहा, अभी देखिए तो आपको डर क्या है, जांच होने दीजिए ना।
जी हाँ, तो मैं हम लोग कहाँ उसमें हम पीछे नहीं हट रहे, आप जांच कीजिए ना भाई। तो राजभवन में क्यों गए थे ये तो ईश्वर आनंद जी बताइए ना थोड़ा सा। क्या बताएं, राजभवन आप गए थे, आपका एक प्रतिनिधि डेलीगेशन गया था, वो किस मसले पर गया था? तो राज्यपाल अभिभावक होते हैं राज्य के, महामहिम होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं। तो अगर हमें अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, हमें परेशान करने की कोशिश, हमें काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से वहाँ राज्यपाल को ये संदेश दिए कि भाई जो है इसकी निष्पक्ष ढंग से इसकी जांच की जाए और हम लोगों को सरकार चलाने दी जाए। आपने पिछले 15 साल 16 साल सरकार चलाया, उस हम लोग को भी काम करने दिया जाए जनता के लिए। ईश्वर जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कोई नर्सरी और फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी हैं, सरकार चला रहे हैं, कौन आपको डिस्टर्ब करेगा ऐसे, आप चलाइए ना। सवाल मसला ये है यहाँ पर कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? और अगर आपको वाकई में लगता था सरकार को, अगर ईश्वर जी सुनिए, सरकार को अगर वाकई में लगता था कि बीजेपी ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, वो राज्यपाल से शिकायत करने के लिए गए, उनको जाने देते आप लोग? आप लोग क्यों गए फिर? हम लोगों ने कहा, हम लोग नहीं, तो ये डर तो है ना कहीं ना कहीं। ईश्वर आनंद जी देखिए, राज्यपाल के यहाँ जाना गुनाह है, पहले एक बात बताइए। नहीं, गुनाह नहीं है, पहले बीजेपी का डेलीगेशन गया, ये लोग शिकायत करने गए, उसके बाद आप लोग गए, इस पर सवाल उठ रहा है। क्या गठबंधन के लोग छिप के गए थे? नहीं छिपके, मैंने नहीं कहा छिपके गए थे। मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर वाकई में आपको लग रहा है कि भैया बीजेपी जो आरोप लगा रही है उनमें कोई सत्यता नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों इतनी गंभीरता से इन आरोपों को ले रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो ले ही नहीं रहे, ये आपने तो राज्यपाल के पास आप गए, आपने मसला नहीं उठाया कि बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं? हाँ, तो ये अगर आप रोज आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे और जनमानस की भावना को बदलने की कोशिश करेंगे, जनमानस की जो जनमानस ने हमें दिया है, मैंडेट दिया है, उसको अगर आपने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो हम लोग अगर महामहिम है, वो अभिभावक है राज्य के, हम लोग उनकी बात, अपनी बातें जाके वहां कह सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना ईश्वर जी, मेरे पास प्रूफ है, उनके पास प्रूफ है पूरे, जो जो आरोप वो लगा रहे हैं वो अभी भी एक भी आरोप से पीछे शायद नहीं हटे। मैं अभी जवाब लूंगा प्रतुल जी से, उन्हें बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं, हमने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही आरोप है और इनकी जांच होनी चाहिए, सरकार जांच से अगर भाग रही है तो फिर काला है कुछ। आपका बात, आपकी आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ गया अच्छी तरह से, मुझे बोलने दिया जाए। सबसे पहली बात है कि आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं जीता, नंबर वन, ठीक है। और आपने आरोप लगाया, एजेंसी सारा आप ही की एजेंसी लगी हुई है, ईडी आपकी सरकार है, केंद्र में ईडी आपका एजेंसी है, आपका टोटा, आप जांच कराइए, यू आर फ्री, हम कहा मना कर रहे हैं, जांच करवाइए, ठीक है प्रतुल जी। और आरोप में और दोषी होने में बहुत मेरा फर्क होता है, छोटा ले बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है, आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, जांच के लिए तैयार है प्रतुल जी। ये ईश्वर जी भी कह रहे हैं, ओंकार जी भी कह रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है, चाहे आप किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए, लेकिन आरोप में सत्यता नहीं है, अभी भी वो अड़े हुए हैं। देखिए, मैंने बिना टोका टाकी के दोनों आदरणीय प्रवक्ताओं की बातों को सुना, भाई हम अपने सारे जो भी हमने आरोप लगाए हैं उस पर हम कायम है, इतने देर उनकी सफाई हमने सुनी, ये गणेश जी को दूध पिलाने तक चले गए, उसके बाद महामहिम को अभिभावक बता दिया, हालांकि इनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बाहर निकल कर कहते हैं कि राजभवन जो है वो राजनीति का अखाड़ा बन गया है रांची में। देखिए, हम अपने सारे आरोप पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जान बूझ कर अपने नाम माइनिंग लीज कराई थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने हेल्थ की राशि को खुद से डकारने की कोशिश की थी, और बाद में इसे कहा था कि नहीं, इनके विभाग के अधिकारियों की ये करतूत थी, जबकि ये सिद्ध हो गया था कि पेमेंट वाउचर्स जो बन के गए थे विभाग में वो निर्देशानुसार थे, यानी मंत्री जी के निर्देशानुसार थे। मैंने आपको जिस पत्र का हवाला दिया था, मैं फिर उस पत्र को दिखा रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र है 9 सितंबर 2021 को, जिसमें उन्होंने क्लियरेंस की मांग की है माइनिंग के लिए स्टेट एनवायरमेंटल असेसमेंट कमेटी से। तो ये जो सारा माइनिंग लीज था उनकी जानकारी में हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी को जमीन दे दिया, साथ एक उद्यमी को जमीन देते वो कहते थे कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार बनेगी, पर हमें ये नहीं पता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी कहते हैं आदिवासियों की सरकार है तो वो सिर्फ सोरेन परिवार को मीन कर रहे थे, उनके भाई बसंत सोरेन डायरेक्टर रहते हुए भी एक विधायक के पद पे रहते हैं, जो क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता। इन्होंने कहा सीबीआई का हम लोगों ने दुरुपयोग किया, ये भूल गए ये बताते समय कि जो पिंजरे में कैद तोता कहा था वो सब सुप्रीम कोर्ट ने इनके टेन्योर के दौरान सीबीआई पे ऐसी टिप्पणी की थी। हमारे नेताओं ने सीबीआई इंक्वायरी को फेस किया, मैंने पहले भी बताया कि राम जन्मभूमि मामले में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी
या फिर एक दूसरे जैन हवाला केसेस, हमारे सीनियर जितने टॉप लीडर्स हैं सबने सीबीआई इंक्वायरी फेस की, किसी ने तो उस समय ये शिकायत नहीं की। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी हमारे एक सीनियर लीडर को गुजरात में सूरत में अरेस्ट किया, पार्टी ने उसे तुरंत निष्कासित कर दिया। लेकिन ये सीबीआई और ईडी से इतना क्यों भागते? भाई हमने तो कहा अगर हम गलत है तो पकड़ो। ये सीधे सीधे एजेंसियों पे जो राजनीतिकरण का आरोप लगाते हैं, देखिए सारे जितने आरोप हमने लगाए वो तथ्यों के साथ लगाए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर चीफ सेक्रेटरी से स्पष्टीकरण मांगा है कि सारे दस्तावेज को स्थापित करके सत्यापित करके भेजे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां आ जाती? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी ये क्या अब आरोप लगा रहे हैं? अगर गवर्नर जो कस्टोडियन होते हैं ट्राइबल लॉज के फिफ्थ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में, वो अगर कोई स्पष्टीकरण मांग रहे हैं सरकार से, इसमें हम कहां आ जाते हैं? देखिए इनकी सरकार वस्तुतः आदिवासी मूलवासियों के नाम पर बनी थी, कहा था कि कैबिनेट में आदिवासी मूलवासी रहेंगे, लेकिन ये कैबिनेट ठेकेदारों की कैबिनेट हो गई है। और ये कैसा कैबिनेट, जबकि अपने कार्यकाल में लोग खुद को लाभान्वित कर रहे हैं, ऐसा देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हमें दुख भी लगता है, इन्हें एक बहुत अच्छा मैंडेट था युवा मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये कैसी कैसी बातें उन्होंने कही। कोरोना काल में जब पूरा प्रदेश दूसरी लहर से जूझ रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने माइनिंग लीज अपने नाम पर करा लिया और उस समय लोगों की जान जा रही थी, और बार बार जेएमएम और कांग्रेस के लीडर्स कहते थे काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना था। तो कोरोना में इन्होंने कितना काम कर दिया वो आप देख सकते हैं, माइनिंग लीज ले लिया, हेल्थ मिनिस्टर ने क्या किया, आलमगीर साहब ने कैसे ठेके पट्टी की सेटिंग की, मिथिलेश ठाकुर जी का ठेका पट्टा चलता रहा, ऐसे सारे तमाम चीजें हैं। मैं तो इनसे कहता हूं कि अभी भी आप कहें सिलसिलेवार तरीके से इन आरोपों को खारिज करें, और अगर हम गलत हैं तो आप रघुवरदास पर केस करें, बीजेपी पर केस करें, प्रतुल शाह पर केस करें। ठीक है ओमकार जी, आप लोग केस करने नहीं आए। ये देखिए आप, इससे बड़ी बात प्रतुल जी शायद बीजेपी नहीं बोल सकती है, देखिए वो तो सीधा चैलेंज कर रहे हैं आपको, केस करिए ना अगर आपको लग रहा है कि आरोप गलत हैं, और नहीं तो जांच जल्द से जल्द करवाइए। हमारे चैलेंज में पैसे नेता ऐसे भी इनके कार्यकाल में केस को क्रिएट कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं हमें केस से भय में मुझे ये बताया जाए कि जो आरोप है इनकी सरकार तो पिछली सरकार थी ना, कहाँ चले गए थे? देखिए आपका वंचन है इनका, सुनिए अनावश्यक बात इनका। देखिए काम है किसी तरह तोड़ो, ये अभी भी नहीं बोले, सरकार को तोड़ो, सरकार को गिराओ, सरकार को हटाओ, विधायक को तोड़ो, विधायक को जोड़ो। अभी वो कह रहे हैं ना ओमकार जी कि अगर वो गलत हैं तो आप वो केस करिए उन पर, राजस्थान में गिरा दो, झारखंड में हटा दो, ये इनका मतलब जो है आप भी समझ रहे हैं चल रहा है। सुनिए ओमकार जी कह रहा है, ओमकार नाथ जी की भी मजबूरी है, समझ सकते हैं हम, खुलकर आप नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं। और जब एक चीज में अगर इन लोग सक्सेस में होते हैं तो दूसरे चीज में इन लोग हाथ बटाना आरोप शुरू कर चोरी करते, लोग टुकड़ी टुकड़ी लोग देख रहा है लोग, तो भारतीय जनता चलिए आज कर दीजिए, खारिज कर दीजिए ओमकार जी चैलेंज है सरकार को किसी तरह। ओमकार जी प्रतुल जी का चैलेंज है आपको कि अगर उनके आरोप गलत हैं, अगर उनके आरोप गलत हैं तो उन पर केस करिए आप लोग। बीजेपी ने जितने आरोप लगाए बोलिए, आज पूरा झारखंड आपको देख रहा है, हम जेल जाने को तैयार हैं। ऐसे भी सरकार में हमारे 300 नेताओं पर फर्जी मुकदमे हुए हैं, हम करेंगे, हम केस कर रहे हैं। लेकिन बोलिए ना ओमकार जी, अगर आरोप गलत है तो हम केस करेंगे आपके ऊपर, बीजेपी बोलिए चैलेंज दे रहे हैं आपको। बतूल जी ये ऐसे लोग हैं कि नहीं आप केस करेंगे, अगर हम केस करेंगे नहीं करेंगे वो पूछ रहे हैं। अगर हमने मंत्रियों के बारे में गलत किया है, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में गलत के सिद्धांत से, अच्छा ईश्वर जी आप बताइए केस करेंगे आप? सुनिए वाजपेयी जी के सिद्धांत से भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है, केस वाजपेयी जी के सिद्धांत से भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है, केस भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने में और कुछ नहीं होने वाला, बनाने में दिलचस्प रखती है। भारतीय जनता पार्टी का मूल काम है सरकार बनाओ। एक छोटा सा सवाल था ओमकार जी, छोटा सा एक सवाल था, आप कहां उसको घुमा के ले गए? चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, केस करेंगे क्या आप उनके खिलाफ? आप बोलते हैं कि वो आरोप गलत हैं जो लगे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, केस करेंगे, मुकदमा कीजिए। भाजपा रघुवर इनके पॉकेट में ईडी है, ठीक है नहीं बोलेंगे ना? ठीक है आपने नहीं बोला ओमकार जी, मैंने आपको बहुत मौके दिए, आपने नहीं बोला, इससे बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और आपकी मजबूरी भी हम समझ सकते हैं। सर आप सरकार में हैं और सहयोगी हैं आपके ईश्वर आनंद जी, वो भी बहुत देर से सुन रहे थे, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतुल जी और ओमकार जी और ईश्वर आनंद जी, आप तीनों जुड़े, आपने वक्त दिया, शुक्रिया इस
बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।